कल की क्लास में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बाद आज हीट बजट ऑफ द अर्थ और एल्बेडो पावर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ इंसुलेशन और विंड, ये तीन टॉपिक हैं। तो इनमें से पहला टॉपिक डाल दीजिएगा हीट बजट ऑफ द अर्थ। हीट बजट से मतलब क्या होता है? ठीक है, कितना इनकम हो रही है और कितना जो है उसमें से एक्सपेंस कर रहे हैं, सब का हिसाब। ठीक है, तो अर्थ सन से, यानी कि अगर हम टोटल सोलर रेडिएशन की बात करें तो वो 100% अर्थ को मिलता है, 100%। लेकिन इनमें से जैसे एटमॉस्फेयर में क्लाउड होते हैं, नहीं होते हैं, वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कितना रिफ्लेक्शन हो जाता है और कितना जो है, ठीक है, अर्थ रिसीव करती है, और अर्थ जो रिसीव करती है वो भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे निकलने वाली जो वेव होंगी वो लॉन्ग होंगी या शॉर्ट होंगी? सूर्य से अगर जो एनर्जी बाहर आती है जिसको हम फोटॉन कहते हैं, शॉर्ट वेव होंगी, अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव में रिफ्लेक्स करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, बस इतना ध्यान रखिए कि जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उससे शॉर्ट वेव और जो छोटा होगा उससे लॉन्ग वेव, यानी कि अर्थ जो हीट को रिफ्लेक्ट करती है वो लॉन्ग वेव के रूप में करती है और सन से जो शॉर्ट वेव में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कहीं। ऊष्मा बजट, हंड्रेड परसेंट अर्थ तक आती है और इसमें कितना कितना पार्ट, ठीक है, ये रिसीव करती और रिफ्लेक्ट करती है। ड्रा करते रहिएगा,
17% 34% रिफ्लेक्ट निकल जा रहे हो गया। पहले ये 35% ठीक है, ये सीधे तौर पर रिफ्लेक्ट हो जा रही ना, 27% क्लाउड्स के द्वारा ठीक है, 6% रिफ्लेक्शन इन स्पेस, ये डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं उसको, हम लिखवाएंगे सब, और रिमेनिंग 2% अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट करता है ठीक है। अब इसमें पॉइंट वाइज इसी चीज़ को लिखिएगा, 35% पहले डाटा ये ले लीजिए, 35% ये जो 35% क्लियर हो गया ठीक है, इसी को कंटेंट में लिखिएगा, 35% इज सेंट बैक टू स्पेस, 35% सेंट बैक थ्रू स्कैटरिंग बाय डस्ट पार्टिकल, स्कैटरिंग बाय द डस्ट पार्टिकल
धूल कणों के द्वारा, सेंट बैक, पैंतीस प्रतिशत इकाई का परावर्तन धूल कणों, बादलों और ग्राउंड सरफेस के द्वारा होता है। अब ये टोटल 35 में कौन कौन शामिल है? डस्ट पार्टिकल, क्लाउड्स और ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो अब इन्हीं को अलग अलग कर लिया जाए। टू परसेंट वो तो एल्बिडो पावर होती है। 2% अर्थ सरफेस से हो गया, ये 2% है, ठीक है। 6% डस्ट पार्टिकल, ये 6% है, धूल कण जो भी लिखाए थे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उससे 2 पॉइंट ये जो इंसुलेशन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, अर्थ सरफेस से। 27 क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, 6% डस्ट पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। तो इनको अगर जोड़ लिया जाए 6%, 2% एंड 27%, कितना होगा? सनरेज, ठीक है, तो कितना हो गया? 35%, ठीक है। अब इन्हीं 35 को ये यहीं पर चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखना होगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको केवल यहीं पर ऐड कर लेना है। 35% ये हो गया। अब इस पे आती बात जो अर्थ तक नहीं आता है, तो पहला सेगमेंट ये हो गया कितना, 35% ये अर्थ तक नहीं आता। शेष 14% किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। 14% में लिखिएगा एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस, वायुमंडलीय गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस, वायुमंडलीय गैसों के द्वारा। अब इनमें भी कौन कौन सी गैसें हैं जो इसको एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो ओजोन, ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, ओजोन एंड ऑक्सीजन, कामा करके फिर आगे लिखिएगा वाटर वेपर, अब कितना हो गया ऐड किया जाए 35 और 14 कितने परसेंट हो गया? 49%। अब कितना बचा 100 में से? 51%, ठीक। अब आगे लिखिएगा, उसको माइनस करके लिख लीजिएगा, 35 प्लस 14 इज इक्वल टू 49, अर्थ रिसीव कितना कर रही है? 24, कितना हो गया? 51 हो गया ना, 51 प्लस 49 कितना हो गया? 100%, ठीक है। अब आपको इस 51 पर ध्यान देना है जो अर्थ रिसीव करता है, ठीक है। अब कहा जाए कि अर्थ क्लाउड्स के मतलब क्लाउड्स को जो पढ़ते हैं तो वो 5-6 कैटेगरी के क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। अपर सरफेस पे जो होंगे, ठीक है, लोअर सरफेस पे जो होंगे, ठीक है। तो क्लाउड्स का मतलब पार्टिकुलर एक क्लाउड से नहीं होगा, डिफरेंट क्लाउड से जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। 51 में लिखिएगा ट्वेंटी थ्री परसेंट
23% रिफ्लेक्शन थ्रू द रेडिएशन 23% विकिरण द्वारा थ्रू रेडिएशन 9% रेडिएशन विकिरण 9% बाय द कन्वेक्शन 9% संवहन के द्वारा एंड 19% थ्रू द इवेपोरेशन 19% वाष्पीकरण के द्वारा एक और पॉइंट यहीं पे नोट करके लिखिएगा नोट एब्जॉर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द अर्थ पृथ्वी के अवशोषित और परावर्तित करने की एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द अर्थ एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्शन पावर ऑफ द अर्थ ये अर्थ पर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं या नहीं हैं, सब जगह पर अलग अलग होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम पोल एरिया से इक्वेटर तक की बात करें तो कहीं पर रिफ्लेक्शन जल्दी होगा, कहीं पर देर में होगा, ठीक है। तो जो चीज़ जितनी हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर रखेगी या रिफ्लेक्शन की पावर रखेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्नो कवर्ड एरिया है, ठीक है, तो स्नो कवर्ड एरिया में सन रेज अगर पड़ती हैं तो सबसे अपर लेयर पर न्यू आइस होगी या नहीं होगी, और न्यू आइस ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। सूर्य से आने वाली किरणों को ये तुरंत क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। ओल्ड आइस होगी, ठीक है, वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करेगी, इससे ज़्यादा रिफ्लेक्शन पावर नहीं होगी। लेकिन अगर कहें कि सॉयल बेल्ट हो, मिट्टी का क्षेत्र हो, ठीक है, तो मिट्टी का क्षेत्र, मिट्टी देर से गर्म होगी ना और देर से ठंडी होगी, तो ये अगर लेट हीट होती है तो लेट कूल भी होगी, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट होगा और इसका लेट इफेक्ट होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब भी करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी। भाई मिट्टी जो होती है, मिट्टी के कण गर्म होते कि नहीं होते, किससे, सूर्य के प्रकाश से। लेकिन जब सनसेट होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसकी अपेक्षा इसका जो है रिफ्लेक्शन पावर जो होगा वो, ठीक है, वीक होगा। तो इसी को कहा जाता है कि जो एल्बिडो शब्द आता है, एल्बिडो, ठीक है, किसी भी ग्रह के, ठीक है, उसकी हीट रिफ्लेक्शन की पावर को क्या कहा जाता है, एल्बिडो, ठीक है। अगले पॉइंट पर लिखिएगा, क्या लिखे थे, इज नॉट इक्वल, अवशोषित और परावर्तित करने की शक्ति समान नहीं है, रिफ्लेक्शन पावर ऑफ द अर्थ या प्लेनेट नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, रिफ्लेक्शन पावर ऑफ द प्लेनेट ग्रहों के परावर्तन करने की शक्ति को एल्बिडो कहा जाता है, इज आल्सो नोन एल्बिडो। ये जिसे
ये तीन प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, ये हम ले लेते हैं प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र किससे बना होगा, ये हम ले लेते हैं ओशन एरिया, ठीक है, इसमें वाटर होगा ना, ये ले लेते हैं माउंटेन, और यहाँ पर ग्लेशियर है, ठीक है। सोलर रेडिएशन जो होगा वो एक बराबर होगा ना, अगर जैसे कल लिखा था आपने कि साइक्लोन बनने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 70। अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो सूर्य की किरणें इस आइस पर भी पड़ रही हैं, ठीक, वाटर पर भी पड़ रही हैं और इस सॉयल पर भी पड़ रही हैं, तो इनमें से तुरंत रिफ्लेक्ट कौन करेगा, क्यों करेगा, ठीक है, साइन जितना करेगा, ठीक है, जैसे शीशा है रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो शीशे की जगह अगर हम काला पेपर ले लें या काला कुछ ले लें तो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा ना, ठीक है, तो इसकी जो एल्बिडो पावर होती है वो 85-90 होती है, किसकी, आइस की, यानी तुरंत सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ये एब्जॉर्ब करता तो ग्लोबल वार्मिंग से समझ लीजिए, अगर ये एब्जॉर्ब करता तो ये मेल्ट होता या नहीं होता, ठीक, यही सबसे बड़ा कारण है कि ये रिफ्लेक्ट कर देता है तो इसकी मेल्टिंग जो होती है वो नहीं होती, ठीक है, बहुत कम होती है। शेष ये कल बताया था कि वाटर लिक्विड होता ना तो कन्वेक्शन के द्वारा, संवहन के द्वारा ये हीट होते हैं, तो ये लेट से हीट होगा, लेकिन प्लेन या सॉयल एरिया में क्या होगा कि हीट यहाँ पर सीधे तौर पर ट्रांसफ़र होती है एक कण से दूसरे कण में, ठीक है, जिसके कारण रिजल्ट क्या होगा कि ये सब के सब, ठीक है, धीरे धीरे ये गर्म हो जाएंगे पूरे पूरे, और जब हीट रिलीज़ होगी तभी एक एक कण से हीट निकलनी शुरू होगी, ठीक है, तो सबसे लेट में इसी का होगा, ठीक है, तो इसी को जो ये रिफ्लेक्ट करती है इसी को क्या कहा जाता है, एल्बिडो, ठीक है, परावर्तन करने की शक्ति को कहा जाता है एल्बिडो पावर, ठीक है, है? हाँ, ये जितने भी लेट से गर्म होंगे उतने ही लेट से वो ठंडे होंगे, बस इतना दिमाग में रखिए, ठीक है, वो अभी लिखवाएंगे, ठीक है, सब प्रॉपर्टी कौन कौन से रिफ्लेक्स करते हैं, ये तो एक एग्जांपल है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है, अब इसी को, ठीक है, इसी को अगर ग्लोब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है, कि अर्थ की एल्बिडो पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, पोलर एरिया में, ठीक, और सबसे कम कहाँ होगी, इक्वेटर वाली बेल्ट पर होगी, सोच समझ के उत्तर देना, इक्वेटर पर होगी या अलग अलग प्रॉपर्टी पर अलग अलग होगी, अलग अलग प्रॉपर्टी पर अलग अलग होगी, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो होगा वो पोलर एरिया पर होगा, समझ गए, ये एल्बिडो पावर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, हाँ जहाँ पर होगा, ठीक, क्योंकि ये अब हिमालय एक पार्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक है, ये कौन सा, ये एटमॉस्फेयर द्वारा क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो अर्थ तक नहीं आता ना, नहीं एब्जॉर्ब, तभी तो वायुमंडल हमारा हीट होता है ना, पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन सर वो अर्थ को न मिलने वाली एनर्जी में ऐड होगा ना, हाँ अर्थ को नहीं, कि इसीलिए तो एटमॉस्फेयर ऊपर तक ही छोड़ देता है, ठीक है।
नहीं नहीं ये केवल एक एग्जांपल है, कहीं डाटा नहीं है ये। हो गया यहाँ तक? हो गया। कितना परसेंट अर्थ रिसीव करती है? 51%। अभी जो हमने लिखाया 23,919 कितने परसेंट हुआ? 51%। रेडिएशन इसका जो रिफ्लेक्शन होता है इतने माध्यम में होता है, ठीक है। अर्थ जो रिसीव करती है 51%, तो 51% का जो रिफ्लेक्शन करती है वो इन मोड में करती है, ठीक है। सबसे नहीं, हाँ ये जो फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट तो करती है, वापस हो जाता है, तो किन किन माध्यम में ये से ये रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो 23% किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा 51 में से, ठीक है। 9% कन्वेक्शन के द्वारा, 19% ठीक है। तो इसलिए अर्थ का हीट बजट जो है, अरे आया तो सभी जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर वो देखो, अगर इसको थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग मान लें अर्थ 2% एब्जॉर्ब कर लेती, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो पर डे 2% एब्जॉर्ब करने का मतलब पूरे महीने भर का, साल भर का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। हम लोग यहाँ रह सकते हैं? गर्म हो जाएगा ना। तो जितना रिसीव करती है उतना ही रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। कितना रिसीव करती है? 51% उतना ही रिफ्लेक्ट कर देती, ठीक। इसीलिए अर्थ का हीट बजट जो होता है क्या होता है? नॉर्मल नहीं, जीरो होगा या सरप्लस? जीरो सरप्लस तो होने में चाहिए, शून्य रहना चाहिए। 49 नहीं, 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 अब ऐसे समझ लो, देखो तुम्हें एक और पहले वाले कैलकुलेशन में 49% था, ठीक है। अब इसको आप एक और सरल तरीके से समझ लो। हाँ 100%, ठीक है। सन से रेडिएशन होता है, ठीक है। तो अर्थ और सूर्य के बीच में अगर हम क्या कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी के या यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर आएगा, अर्थ से नीचे ऊपर चलते हैं। एटमॉस्फेयर किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है ना, और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? यूनिवर्स का, ठीक। सूर्य सोलर सिस्टम में होगा, ठीक है। यहाँ से एनर्जी एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगी तब कहाँ आएगी? अर्थ पर आएगी। तो एटमॉस्फेयर कितने परसेंट हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है रेडिएशन को? 14 टोटल, ठीक है। जितने भी रहे हैं वो 49% हो गया एटमॉस्फेयर में, जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब मिला 49। अर्थ ने रिसीव कितना किया? अब इस 51% का जो अभी हमने लिखाया, किन किन माध्यम से वो रिफ्लेक्ट करती है? सर एक विकिरण हो जाएगा, दूसरा एवेपोरेशन हो जाएगा, फिर सामान हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 51 अर्थ ने रिसीव किया और इतने मीडियम के द्वारा वो रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ठीक है, तो 49 प्लस 51 कितना हो गया? 100। कितना आया था? 100। बजट जो था वो सरप्लस में है या जीरो? ठीक है। बस केवल फर्क यही पड़ता है कि इसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से अर्थ ना तो बहुत कूल हो जाती है और ना बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है।
ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। और ये डेली का प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि वीकली, डेली है। तो इसलिए कहने का मतलब डेली का जितना उसमें बजट है उसका 51 लेती है, अपना काम चलाती है, रात को वापस कर देती है। क्लियर, समझ गए? यही आपका अर्थ का हीट बजट। समझ गए आप? क्लियर हो गया? और सेकंड पॉइंट पर सेकंड लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिएगा इसमें, ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, जो छूटा हुआ था उस दिन नहीं कराए थे एटमॉस्फेयर में, ओजोन डिप्लेशन। और ओजोन डिप्लेशन में मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन उस दिन बताए थे, ग्राउंड लेवल ओजोन CO2 को कहा जाता है, लिख लीजिएगा, इसको लिखते रहिएगा, ग्राउंड लेवल ओजोन ओजोन को कहा जाता है। और इधर कर दे, अब दिखेगा। यूवी रेज को कौन ऑब्जर्व करता है? ओजोन करता है। ठीक है, बनाते रहिए इसको। और ओजोन जो है O+O2 होता है ना, ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता है। इसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती होती, बन गया। नेचुरल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि ओजोन पहले नहीं टूटती थी, ठीक है, या ओजोन डिप्लेशन ये नई कॉन्सेप्ट है, पहले भी होता था, लेकिन एक नॉर्मल प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस क्या था कि दिन में डे टाइम पर क्या होता था, ओजोन टूट जाती थी, ठीक है, यानी कि परत इसकी टूटती थी डे टाइम पर, लेकिन नाइट में क्या हो जाता था, ये रिपेयर हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्यों होने लगा कि कहा गया कि ओजोन का क्षरण हो रहा है या ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 200 साल पहले 300 साल पहले की बात करें तो 300 साल पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना था नहीं था, मानव के द्वारा एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ में डिस्टरबेंस, एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने का प्रयास आज के 300-400 साल पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ, जैसे कहते हैं कि CFC, तो CFC किससे रिलीज होती है, ठीक, मीथेन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, इसी को क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीन होते हैं, इसी को CFC कहा जाता है। अब ये क्या होता है कि जब ये अर्थ से, यानी कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, ये अर्थ पर ही तो यूज होगा, इससे रिलीज होने वाली गैसें क्या करेंगी, इसको क्या करेंगी, तोड़ देंगी, तो दो तरफ से नुकसान हो रहा है ना, एक तो ऊपर से डे टाइम पे टूटती है और नीचे से इन गैसों के द्वारा, ठीक है, तो इसलिए पहले की जो नेचुरल प्रोसेस थी कि वो डैमेज होती थी फिर रिपेयर होती थी, अब क्या है, डैमेज